जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है, जो सिस्टम के जो फेडअप हो गए सिस्टम से, जो बीजेपी ने नहीं मानते या जो कांग्रेस में पहले नहीं मानते थे, उन उनके लिए जो ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने पेश किए गए हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, या मतलब कुछ लोगों के लिए ये जो राइट टू रिकॉल ग्रुप है जो राहुल मेहता जी चला रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो विकल्प सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक्चुअल सोल्यूशन क्यों नहीं है? और अगर दर्शकों ने ध्यान दिया होगा तो वो ये समझ गए होंगे, पर आप सिर्फ पॉलिटिकल लैंडस्केप को एनालाइज करके आप अपनी राय दीजिए कि ये एक्चुअल सोल्यूशंस क्यों नहीं है, और क्यों असली अंतर जो होता है, असली डिफरेंस जो एक मॉरल व्यक्ति और इमोरल व्यक्ति में होता है, वो ये होता है कि आदमी सरकार में मानता है या नहीं मानता है। राइट बहुत कम शब्दों में कह दूंगा, ये जितने भी ग्रुप की आपने बात की वो राज्य के अंदर ही रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं। और जैसे मैंने हमारा पूरा सेगमेंट जो मेन एक मुद्दा है वो यही रहा है कि वो जो राज्य है, जैसे आपने अभी बोला, वो एक खुद इमोरल संस्था है। तो वो राज्य जब तक है तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो सोल्यूशन उस राज्य को हटाने में है, और हमको हटाना भी नहीं पड़ेगा और हम हटा भी नहीं सकते हैं, वो अपने आप ढह जाएगा, ऑलरेडी ढह रहा है। हमको खाली ऑल्टरनेटिव खड़े करने हैं कि राज्य नहीं होगा तो हमारी जिंदगी कैसे बहुत अच्छे से चलेगी, इन्हीं बातों को हमको लोगों तक पहुंचाना है। राज्य अपने आप अपने से ढह जाएगा। अरविंद केजरीवाल या राइट टू रिकॉल या कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो लीपापोती करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ये मोनोपोली बनी हुई है तब तक कोई सुधार नहीं आएगा। ये मोनोपोली को अपने आप खत्म होने, हम उनको छोड़ दें, वो अपने आप ढह जाएंगे। देखिए, उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर लिया है, वो इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास अब कोई साधन बचे नहीं है। ठीक है, आजू बाजू के राज्य एग्रेसिव हुए जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे टूट जाएगा। फिर जब हमारे पास मौका होगा, मोनोपोली नहीं होगी, तब हम अपने तरह से बनाएंगे। सूरत या आप अपना मुंबई बनाइए, आप माटुंगा खड़ा करें या अंधेरी खड़ी करें, या मैं अपना पिपलोद खड़ा करूंगा। ठीक है, तो सिस्टम में रह के रिफॉर्म करना इज नॉट अ सोल्यूशन। राज्य को पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सोल्यूशन की बात कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत लोगों को, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है कि वो मानते हैं कि हमें और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये सिस्टम बहुत बड़ा है, इसको हम अंत नहीं कर सकते, तो हमारे पास यही चारा बचा है कि हम इसको बेहतर बनाएं। इसलिए ये जो भी लोग सोल्यूशंस रखते हैं कि हमें ऑप्शन होना चाहिए कि हम किसी भी वक्त, अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी कोई भी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठा है या आरबीआई में बैठा है, उससे हम सहमति नहीं रखते हैं, तो पॉपुलर वोट से उसको निकाल दे या ऐसे करे, तो मेरा उनको यही कहना रहेगा कि हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे है। हम सरकार को हमेशा गलत और इमोरल मानते हैं क्योंकि वो चोरी के बेसिस पे बनी है, तो उसको रिफॉर्म करना या उसको चेंज करना, बेसिकली ऐसे मान लो आप कि हम अमेरिका में इस गुलामी की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि यार गुलाम को 10 घंटे गुलाम नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ 5 घंटे होना चाहिए, या उसके ओनर को एक ही नहीं होना चाहिए पर उसको डेमोक्रेटिकली ओन करना चाहिए, तो हम इस इन बातों को बेसिकली यूजलेस मानते हैं क्योंकि हमें गुलामी से दिक्कत है, हमें ये नहीं चाहिए कि हम गुलाम को ऐसे बदल दें या इतने टाइम पे बदल दें, हमें गुलाम चाहिए ही नहीं। तो आज हमारे साथ और जुड़ने के लिए धन्यवाद। आई होप दर्शकों को ये बात स्पष्ट हो गई और समझ आ गई हो कि हमारे विचार क्या है और हम सरकार में क्यों नहीं मानते। और दर्शकों को और आपके बारे में और जानना है और आपके विचारों को और पढ़ना है तो हम आपको कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, मीजिज इंडिया इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट है। आपके दर्शक मित्र मीजिज इंडिया डॉट इन वेबसाइट पे जाके मेरा जो भी काम है उसको देख सकते हैं। मेरी खुद की YouTube चैनल है जो आप आई एम श्योर लिंक में डाल देंगे, तो वहाँ पे भी वो मेरे वीडियो एनालिसिस देख सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं कह दूंगा और फिर हम रोकते हैं। हमारा जो हम जो बात कर रहे हैं वो खाली प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी है। स्टेट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिफॉर्म्स जिनको रिफॉर्म करने करके पूरे देख लिए, मैं उनको पूरा समय देता हूँ, वो अपने सारे जो भी उनको प्लान इंप्लीमेंट करने हैं, अरविंद केजरीवाल को बिठाना है अरविंद केजरीवाल को बिठा ले, या राइट टू रिकॉल कर ले, या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है। इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं आपको बता दूंगा कि सरकारी सिस्टम वो प्रैक्टिकली नहीं चल सकती है। तो हमारा फिलोसॉफिकल ऑपोजिशन तो है ही, पर
बट सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है, अब नजर के सामने देख लीजिए कौन सी सरकार काम कर रही है। तो आपको जितना मौका देना है दे दीजिए, अपने आप ही वो सरकार गिरने वाली है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो समाज बनाना है उसके बारे में सोचना चालू कर दे तो लोगों के लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर हमें आपको हमें हमारी सहायता करनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों में इसको बांटें। और मधुसूदन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट योहान।